हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इन हिंदी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके भी कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई फोल्डर है और आप उसको हाइड करना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि वो किसी को मिले, यानी एक तरह से वो इनविजिबल हो जाए, तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो वीडियो का फोल्डर है, इसमें मेरी दो फोटो पड़ी है और मैं नहीं चाहता कि ये फोल्डर किसी को दिखाई दे और कोई भी इसे ओपन करे, तो इसके लिए मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोल्डर की लोकेशन ध्यान रखनी है। ये मेरे फोल्डर की लोकेशन है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप मुझे याद है। फिर आपको अपने फोल्डर पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में दिखाई देगा प्रॉपर्टीज, इस पर आना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ हिडन, आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके करना है और ओके कर देना है। इसके बाद आपका जो फोल्डर है गायब हो जाएगा, यहाँ पे हल्का सा वेट लेगा और गायब हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फोल्डर गायब हो चुका है, पर ये गायब नहीं हुआ है, यहीं पे, पर कोई इसे ओपन नहीं कर सकता। यहाँ पे इसे ओपन करना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा दिस पीसी में। इसके बाद ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे व्यू, तो व्यू पे आपको जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपको पहले लोकेशन देखनी है, आपकी लोकेशन क्या थी फोल्डर की। मेरी डेस्कटॉप थी, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर अभी वो फोल्डर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस साइड हिडन आइटम, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपका फोल्डर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर आ चुका है, तो हम इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसे वापस छुपाना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक कर दीजिए, फिर से मतलब अनचेक कर दीजिए और आपका फोल्डर फिर से गायब हो जाएगा। यहाँ फोल्डर गायब हो चुका है, तो व्यू पे आपको जाना है, हिडन आइटम पे क्लिक करना है, बस आपका फोल्डर आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।